नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीटीवी मीडिया न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक चौधरी। चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरदारपुर में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और किसानों द्वारा मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान एसडीएम विजय राय और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कंपनी राजगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि रबी सीजन के पूर्व रासायनिक खाद इफको यूरिया सुपर पोटाश खाद की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। बाजार में व्यापारियों द्वारा इफको यूरिया सुपर पोटाश खाद को सरकारी मूल्य पर बेचा जाए और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। विकासखंड के जिन ग्रामों में सोयाबीन की फसलें वायरस आने के कारण खराब हो चुकी है, उनका सर्वे कर बीमा क्लेम का मुआवजा दिलवाया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाया जाए। रबी फसल के पूर्व जले हुए ट्रांसफार्मर केबल रोबोट शीघ्र बदलने, झूले हुए तार सही करने, झुके हुए पोल सही करके वृक्षों की डाली काटने का कार्य रबी सीजन के पूर्ण किया जाए। वृक्ष कम होने के कारण कुएं और ट्यूबवेल में जलस्तर में कमी के कारण एक महीने का अस्थायी कनेक्शन दिया जाए। ट्रांसफार्मर चढ़ाने उतारने के लिए चेन कुपों को व्यवस्था समय पर नहीं होने के कारण किसानों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी पूर्ति कंपनी द्वारा पूर्व में सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में जले हुए ट्रांसफार्मर 3 दिनों में दिए जाएं। किराए के ट्रांसफार्मर विकासखंड में सभी स्थानों पर किसानों द्वारा राशि जमा करने पर 3 दिनों में उपलब्ध करवाई जाए। उक्त समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा और समस्या निराकरण होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान किसान संघ के पदाधिकारी राधेश्याम बड़गोता, रामप्रसाद राठौर, लक्ष्मण सिंह राठौर, कन्हैया लाल शंकर, अहमद दिनेश पाटीदार आदि मौजूद रहे। ज्ञापन जगह प्रदेश व्यापी ज्ञापन है और आज हमारा ज्ञापन दिवस भी है। इसमें मुख्यमंत्री के नाम 31 बिंदु है और प्रधानमंत्री के नाम 13 बिंदु है। खेती किसान समस्या जो है वो इस ज्ञापन द्वारा हमने अवगत कराई है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खेत को इकाई माना जाए, अभी तक पटवारी हल्का नंबर चल रहा है। और कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रासायनिक दवाओं पर बीज पर GST दर न्यूनतम की जाए। कृषि क्षेत्र में किसानों को दिए जाने वाला अनुदान सब्सिडी बंद कर के किसानों को प्रति हेक्टर के अनुमान से उसके खाते में पैसा डाला जावे। कृषि कार्य में लगने वाला डीजल GST के दायरे में हो। वर्षा मापक यंत्र सभी पंचायतों में लगाए जावे। खरीफ फसलों में अतिवृष्टि अफलन वायरस के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जावे। बलराम तालाब योजना चालू किया जावे जो अभी बंद है। किसानों को 24 घंटे 3 फेज बिजली दी जावे। मुख्यमंत्री अनुदान योजना से विद्युत ट्रांसफार्म योजना चालू की जावे। जले हुए ट्रांसफार्म बदलने हेतु एम्बुलेंस सेवा शुरू की जावे एवं 24 घंटे में ट्रांसफार्म चेंज कर दिया जावे। ये मांग लेकर हमने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में SDM महोदय को ज्ञापन दिया। सर, आपका नाम और पद? मेरा नाम राधेश्याम बड़गोता, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। किसानों की जैसे भी आए दिन अनेक मांगों को लेकर किसान मोर्चा द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिया गया है। इसी कार्यक्रम में आज भी किसान मोर्चा द्वारा ये ज्ञापन दिया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम 13 बिंदु एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम 31 बिंदुओं का ज्ञापन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो कि विधिवत थ्रू प्रॉपर चैनल संबंधित कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया। मैं जरा SDM सरदार।